हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए। मेरी बेटी जिद कर रही थी, चलिए घूमने के लिए पार्क में ले चलिए। तो हम लोग जा रहे थे पार्क। तो अब हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं, रिक्शा में, और अब हम लोग जा रहे हैं। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये मेरे घर से बहुत दूर नहीं है, ये है सादत अली खान का मकबरा। तो इस साइड में पास पास में ही काफ़ी पार्के बनी हुई हैं। बहुत अच्छा इलाका है ये, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो शाम के बज रहे थे 4, और हम लोग निकले थे 4 साढ़े 4 बज रहे थे। तो हम लोग जो है टैक्सी से उतर चुके हैं, अब हम लोग पैदल पैदल चल रहे हैं। तो यहाँ पर काफी पार्के बनी हुई, 4-5 पार्के बनी हुई हैं। तो ये हमने बाहर से लिया है, अभी अंदर नहीं गए हैं। अभी हम लोग सड़क पर ही चल रहे हैं, सोच रहे हैं कौन सी पार्क में जाएं। ये अब हम लोग जो है अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम नहीं गए थे कभी, तो हमने कहा चलो यहाँ चलते हैं, देखते हैं कैसी है। तो यहाँ पर हम लोग आए थे, और अब हम लोग अंदर आ गए हैं। और ये बहुत खूबसूरत पार्क है, ये सादत अली खान का मकबरा इसको बोलते हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत जगह है ये भी। काफी लोग आए हुए थे घूमने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम तो वीडियो बनाने में लगे हुए थे, और हमने सोचा कि आप लोगों को दिखाया जाए लखनऊ में कौन कौन सी जगहें हैं खूबसूरत खूबसूरत, बहुत अच्छी अच्छी तो हम वीडियो बनाने में लगे हुए थे। तो आप देखते जाइए, ये है सादत अली खान का मकबरा। मतलब कोई नवाब थे, उनका नाम था सादत अली खान, उनका ये मकबरा है। तो अब हम लोग अंदर चले गए हैं, और ये बना हुआ है मकबरा। बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर भी थे यहाँ पर, काफी अच्छे अच्छे जो है पेड़ वेड़ भी लगे हुए थे, प्लांट्स भी लगे हुए थे। तो अब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, मकबरे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की साइड में बना हुआ है। और अब हम ऊपर चढ़ चुके हैं, तो काफी लोग यहाँ पर आए हुए थे, और यहाँ पर एक ग्रुप खड़ा हुआ था, ये भी वीडियो पता नहीं क्या शूट कर रहे थे इन लोग। ये मेरी बेटी है, इसको बड़ा मजा आ रहा था, यही ले गई थी, जिद करी थी ले चली घुमाने, क्योंकि कहीं नहीं जाते हम लोग जल्दी। तो ये मकबरा है, तो ये बंद है, पहले शायद इसके अंदर लोग जाते भी होंगे, लेकिन अब बंद कर दिया गया, अब नहीं जाता कोई भी इसके अंदर। तो बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छा लगा हमको। तो बहुत प्यारी जगह है। हमने सोचा कि अच्छी तरह से वीडियो बनाकर दिखाएं आप लोगों को कि लखनऊ में जो है कितनी अच्छी अच्छी जगह जगह हैं, तो आप लोग को भी दिखाएं। मेरे घर से ये बहुत दूर नहीं है, नजदीकी समझिए मेरे घर से। यहाँ पर कोई ग्रुप था, यहाँ पर ये लोग वीडियो शूट कर रहे थे, पता नहीं कोई सीरियल बना रहे थे कि क्या कर रहे थे। तो इनका भी ले लिया था हमने, और फिर हम लोग जो है हम
दिखा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि जूते उतार कर अंदर जाए, तो इसका मतलब पहले जाते होंगे लोग इसके अंदर, लेकिन अब ताला लगा हुआ है, अब कोई नहीं जाता इसके अंदर। वो नवाब जो थे सादत अली खान, इनका मकबरा इसके अंदर होगा, मतलब तो इसके अंदर अब कोई नहीं जाता है। लेकिन अच्छी जगह है घूमने की, बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को यहाँ पर। तो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे बना हुआ है ये, पुराने जमाने का अभी तक उसी तरह से है, जरा सा भी कहीं से भी कोई खराब नहीं हुआ है और बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था तो हमने इसका भी ले लिया कि क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो आप लोग भी देखिए, आप लोगों को हमने दिखाया कि इसके ऊपर लिखा हुआ है नवाब सादत अली खान का मकबरा। और इधर वही चीज इंग्लिश में भी लिखी हुई है, टॉम्ब ऑफ सादत अली खान। तो बहुत अच्छी जगह थी, हमें बहुत पसंद आई और हम फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पर। यहाँ पर जो है एक तालाब, छोटा सा तालाब जैसा था, ये कुआं है जहाँ पर ये दरवाजा लगा दिया गया है। और यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए थे, प्लांट्स लगे हुए थे। तो बहुत ही खूबसूरत जगह लगी हमको तो, और बहुत ही प्यारी है। हम तो सोच रहे थे इसके अंदर जाने को मिलता तो देखते कि क्या है, क्योंकि हिस्टोरिकल जो प्लेसेस होते हैं ना, इसके अंदर जाकर देखने का बड़ा शौक है हमें, लेकिन इसके अंदर एंट्री नहीं थी, ताला लगा हुआ था। और शायद इधर इन्हीं के कोई वंशज रहते हैं, इनका घर बना हुआ है, उनके कोई वंशज होंगे तो वो रहते होंगे यहाँ पर इस साइड में। तो इधर का भी हमने वीडियो बना लिया था। तो अब हम लोग वहां से निकल चले हैं, निकल पड़े हैं, और थोड़ी दूर पे एक और पार्क है, तो उस तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग पैदल पैदल जाते हैं क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर दो घुड़सवार आ रहे थे, सिपाही बैठे हुए थे घोड़े पे, इनका भी ले लिया था हमने थोड़ा सा। और ये है रास्ते में, ये है भातखंडे है, यहाँ पर जो है म्यूजिकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर जो है डांस और सिंगिंग वगैरह सिखाई जाती है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ये लखनऊ का। तो हमने यहाँ का भी ले लिया था और हम लोग चलते चले जा रहे हैं। थोड़ी रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो ज्यादा दूर नहीं था, तो हम लोग पैदल ही चले जा रहे थे। और ये आ गई है दूसरी पार्क, तो ये पार्क के बाहर का है। तो ये पार्क है, इस पे लिखा है वीराना उदा देवी पार्क, ये लिखा हुआ है। वैसे इसको बटलर पार्क भी बोलते हैं। तो हम लोग इसके अंदर चले गए अब, और अब रात हो गई है, अंधेरा हो गया है। तो ये पार्क भी बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छी लगी हमको, और यहाँ पर भी हम पहली बार आए। ये सोचिए कि लखनऊ में रहते हैं लेकिन हम पहली बार आए यहाँ पर, घूमने घर से ज्यादा दूर नहीं है ये। तो ये भी बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी।
और आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं तो काफी भीड़ थी पार्कों में, और यहाँ पर काफी फाउंटेन लगे हुए थे जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे, बच्चे के बड़े सब लोगों को अच्छा लग रहा था। काफी लोग आए हुए थे। तो ये पार्क के बाहर से हम आपको दिखा रहे, सामने बारादरी थी। बारादरी भी नवाबों का ही है, यहाँ पर शादी वगैरह होती है। अब पहले किसी जमाने में कोई नवाब रहते होंगे यहाँ पर, तो अब शादी वगैरह होती है यहाँ पर, मैरिज हॉल की तरह हो गया ये। और इस पे लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका वो करवाया था। तो हमने इसका भी ले लिया था। तो अब हम लोग जो है बटलर पार्क में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और बड़ी खूबसूरत बनी है ये भी। लाइन से फाउंटेन लगे हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। ज्यादा कहीं जाते नहीं है कभी, अब जैसे कि बेटी है ना मेरी वो जिद करती है ले चलिए, तो हम लेके चले जाते हैं कभी, क्योंकि तो बच्चों को घुमाना भी जरूरी है। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर भी। यहाँ पर भी फाउंटेन लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक फैमिली आई हुई थी तो सब बैठे हुए थे, तो हमने लोग का भी ले लिया था। आजकल छुट्टी है बच्चों की तो सब लोग जो है जा रहे हैं घूमने के लिए, तो काफी रश है। ये बड़ा अच्छा लग रहा था हमको, यहाँ फाउंटेन लगी थी इधर उधर और बीच में एक ब्रिज जैसा बना हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। और यहाँ पर एक पेड़ है, तो ये पेड़ है ना इसको इतना अच्छा कलर किया हुआ है ना, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था, तो इसका भी हमने वीडियो ले लिया था। बहुत प्यारा कलर किया हुआ है कि बच्चे खुश होते देख के, कलरफुल। तो एक और बना हुआ है उस साइड में भी है इसी तरह का। ये हमको बड़ा अच्छा लग रहा था। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। बीच में ये जो ब्रिज बना हुआ है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था हमें। तो देखिए इस साइड भी एक पेड़ है जिसको ऐसे कलर किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था ये। तो हम इस ब्रिज जाने लगे हैं, जो बीच में बना हुआ है ये बड़ा अच्छा लग रहा था आपको। और इधर उधर फाउंटेन चल रहे थे, तो लोग यहाँ पर जो है फोटो अपनी खींच रहे थे, कोई मूवी बना रहा था, वीडियो बना रहा था और फोटो भी खिंचवा रहे थे इधर। तो अब रात हो गई, थोड़ा अंधेरा हो गया था।
देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है। कभी कभी बच्चों को लेके जाना चाहिए बाहर घूमने घुमाने के लिए, और खुद का भी जो माइंड फ्रेश हो जाता है और बच्चों को का भी इंजॉय हो जाता है। तो ये साइड में झूले लगे हुए थे बच्चों के, तो मेरी जो बेटी है ना वो झूलों की तो बहुत शौकीन है, बहुत बड़ी वाली शौकीन है ये, तो ये झूला झूलने लगी थी अपना। और झूला जिस साइड में था उस साइड में काफी रश था क्योंकि छुट्टियां हैं, सारे बच्चे जो है ना आए हुए थे घूमने के लिए और फैमिली आई हुई थी। यहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग कम थी तो इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा सा आया है और यहाँ पर सब झूला झूल रहे हैं। काफी अच्छे अच्छे झूले लगे हुए थे, तो ये देखिए मेरी बेटी है, ये जो है बड़ा खुश हो रही है, झूले पे चढ़ रही है और ये अपना एंजॉय करने में लगी हुई है माशाल्लाह। इनको बस चले तो रोज ये जाए पार्क। और इस साइड में जो है एक्सरसाइज वाले लगे हुए थे, सुबह में लोग यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो इस साइड में वो लगे हुए थे। तो हम तो सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में लगे हुए थे। यहाँ पर बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर माशाल्लाह, काफी इंजॉय किया सारे बच्चों ने, बच्चों को तो मजा आ जाता ज्यादा। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो हम लोग घर के लिए निकल पड़े हैं।